अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू बकर बानाकिर आजाद न्यूज से। आज हम खड़े हैं बारकस कब्रस्तान में, जहां पर सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है कि चोर चोरी करके आके बारकस कब्रस्तान में, जो बारिश की वजह से खबर टूट गए थे, खबर बैठ गए उसके अंदर छुप गया बोल के। लेकिन हमने यहां पर आकर आजाद न्यूज की टीम के साथ में हमने यहां पर आकर जब तफ्तीश की तो मालूम पड़ा कि वो बच्चा दिमागी तवज्जुन खो चुका है, नशे का आदि था बच्चा, इस वजह से सो दिमागी तवज्जुन खो चुका है। और बराबर है सो बच्चे का एरा गड्ढे में इलाज चल रहा, जिसके स्लिप वगैरह उनके वालदा अभी यहाँ पर हमारे पीछे खड़े हैं, उनके वालदा के पास मौजूद है। जब हमने यहाँ पर पूरी तरीके से तफ्तीश की तो जब मालूम पड़ा कि खबर यहाँ पर बारिश की वजह से बैठी हुई थी, बच्चा पागल होने की वजह से रात में 10:30-11 बजे तक घर में था, घर से कब निकला घर वालों को पता भी नहीं है, और वो सीधा बारकस कब्रस्तान को आया, यहाँ पर खबर खुली दिखी और खबर में घुस गया। और बस्ती के लोग जो बारकस कब्रस्तान से सड़क है बस्ती के अंदर दाखिल होते हैं, उन्होंने देखकर उसे पकड़ लिया और चोर समझा और चंदनगुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया। तो अभी हम यहाँ पर उनकी वालदा और उनके घर वालों से बात करते हैं, हम आगे की भी खबर आपको देते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपका दोस्त अबू बकर बानाकिर। तो कब से आपका बच्चे को भैया इलाज कब से चल रहा है बच्चे का आपके? 3 साल से इलाज तो चल रहा है छह का। तो अभी आखिरी टाइम यानी बच्चा आपका कब तक घर में था, यानी रात को? रात को 11:30 तक थे जी, वहाँ से फिर निकल गए हम धुले, वहाँ धुले तो नजदीक है। अभी आपको सुबह में कब मालूम है? सुबह में फोन करे थे, अभी मालूम है तो आ गए। पीएस में है बोल के आपको नहीं मालूम? यहाँ है बोल के बोले जी जी। हमारा भतीजा है, वो रात में 11:30 तक घर का नहीं था, उससे मैं निकल गया, उन्हें जाके बैठ गया समझो, किधर गया मालूम नहीं, आके पूरा ढूंढे हम लगा नहीं मिला, तब किसको मालूम भाई कब्रस्तान में रहेंगे बोल के, आके पूरा घरों पे ढूंढ लिए, नहीं यहाँ सुबह में आ जाता हूँगा ना बोल के, देखे तो नहीं आया, यहाँ आके कब्रस्तान में सो गया। बोले आप रात में आए कई बार रखते थे जी, ने आ गया ऐसे ले लेके आ गए, तो आ गया फोन ले लेके फोन आ गया, बोले तो ऐसे भटक लेते हुए आते जा रहा हूँ खाली। तो खबर में क्या करें थे? खबर में क्या करा, पलक फेंका खाली पलक। हाँ तो फिर खबर में कहीं कुछ अंदर उतारने लगा, पलक निकालो तो निकाल के दिया, मैं नवा ला के देता हूँ बोला मैं। अच्छा। बोले तो गाड़ी लेने के आए थे तुम? गाड़ी वाड़ी ने दोनों बोले गाड़ी लेके आ, दिल में बोले तो गाड़ी लेके वहाँ रखा मैं रोड पे। तो पलक किसका था, किसी गाड़ी का था? पलक जिसकी गाड़ी का था उनको दे दिया मैं। तो मतलब थे कौन, तुम्हारे दोस्त की गाड़ी थी या कहीं से ले लेके आए थे क्या? नहीं भाई इसकी भी मालूम है गाड़ी करिश्मा की थी। करिश्मा की थी, किसकी थी? दोस्त की थी। किसकी थी? दोस्त की थी समझा भाई। अच्छा तो गाड़ी ले लेके आए थे खाली? हाँ। तो यहाँ बारकस कब्रस्तान में कहीं कुछ वहाँ पलक फेंका ही फेंक रहे थे वहाँ पे? एक भी नहीं थे भाई, वहाँ पर काम करता था मैं, लकड़ी भी काटा, खाड़ा काटे से वहाँ पे। हाँ खाड़ा काटे से काम करे। तो फिर 11:30 हो गई हुए तुम कब्रस्तान में? 11:30 हो गए कब? 10:30 हो गए, 11 बजे 11 बजे कब्रस्तान में।